हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। ये हमारा इको 02 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था उसका ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व करा चुका है। और जो भी मैंने अभी दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, जिसमें से जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया था उसमें से 50-90% क्वेश्चन टच कर रहे हैं। एंड देन कि मेरे पास जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आप लोग को यहाँ प्रोवाइड करा दूं। और आप लोग नीचे वीडियोस में मुझे बताना कमेंट करके कि और भी आप लोगों को सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं ज़रूर उसकी भी वीडियोस बनाऊंगी। एंड इसका पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें हमारे ग्रुप में, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स दे दूंगी। और लेट्स बिगिन। सो हमारा जो आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिग्नमेंट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका वो क्या है ये बताना है, और इसके एग्जांपल भी मैंने यहाँ सोच करा है, एंड फीचर्स भी बताया मैंने यहाँ रखा है तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस तरह का जो है ना, एक बिजनेस है जो कि अरेंजमेंट होता है ऑनर और कंसिग्निंग के बीच में। तो दिस इज़ ये जो हमारा वर्ड है कंसिग्नमेंट, वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन होता है, मतलब होता है टू हैंड ओवर और टू ट्रांसमिट। ठीक है, एंड जो भी है इसको जो एग्रीज होते हैं वो सेल्स गुड हैंड ओवर करता है कंसिग्नमेंट के तहत टू फी। ओके, एंड इसका एग्जांपल है क्लॉथ, जैसे कि क्लॉथ हो गया है ना, और टॉयज हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है, फर्नीचर हो गया, एंटीक हो गया, ऑटोमोबाइल्स, बुक्स, म्यूजिक टूल्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आप यहाँ एग्जांपल में कुछ भी डाल सकते हो, जिसका भी वो एक थोक में जो भी हमारा वो होता है बिजनेस। ओके, तो इसका कुछ फीचर्स है यहाँ देख सकते हैं, द प्रोविजन ऑफ गुड ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। इसका जो भी प्रोविजन होता है वो जो गुड्स ट्रांसफर होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के तरफ, ठीक है, एंड इसका रिस्क, एक्सपेंस एंड डैमेज जो भी होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इग्नोर होता है, एंड द रिलेशन ऑफ द पर्सन, इसका प्रिंसिपल और एजेंट के बीच टू बायर आंसर। इसका जो भी रिलेशन होता है कंसिग्नमेंट का वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच होता है, ठीक है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है बायर और सेलर से, ठीक है, तो इसका कोई थी नहीं होता है कि हमारा बायर जो भी पर्सन है वो लिया चाहे नहीं लिया, ठीक है, इससे कुछ लेना ही नहीं है। ओनली द पर्सन क्या प्रोसेशन ऑफ द गुड इज विद द कंसिग्नी एंड नॉट द ऑनरशिप, ठीक है, एंड लास्ट है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल द गुड बिलोंग टू कंसिग्नोर। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरफ। यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टू टेक लार्ज कंसिग्नमेंट एंड इंक्रीज सेल वॉल्यूम बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर। ठीक है, इसका जो इंक्रीज करने के लिए हम लोग को वॉल्यूम, यानी है जो अभी हमारा जो क्या कैपिटल है, यानी जो भी थोक वगैरह का जो भी सामान है उसको वॉल्यूम अट्रैक्टिंग करना होता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है, टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड क्रिएट एंड कैप्चर मार्केट द सेम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, न्यू प्रोडक्ट उसको क्रिएट कैप्चर और मार्केटिंग में बेचना काम होता है। ठीक है, ऐसे ही दो और तीन और हैं उसको मेंटेन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन के डिस्कस करना है नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस के बारे में विद इन एग्जाम्पल।
ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है आप लोग देख लेना, इसके इन दोनों के बीच मैंने डिफरेंस बिटवीन करा रखा है, तो ये एक नॉर्मली है। ये मैंने इसलिए करवाया है ताकि अगर आप लोग कोई सिंपल से ये पूछ देता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल लॉस, तो आप इसको यहाँ तक कवर कर पाओ, ठीक है। एंड देन अगर कोई क्वेश्चन कर देता है एग्ज़ाम में अगर कि अब नॉर्मल क्या होता है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चंस को आंसर क्योर कर पाओ। एंड अगर इन दोनों के बीच जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि बिटवीन में बताना है, मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन है इन दोनों के बीच, तो इसके लिए मैंने यहाँ ये रख दे रखा है। इसके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि कैन नॉट बी अवॉइडेड, अवॉइडेबल नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। कॉजेज इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉजेज हो जाएगा द लॉस ड्यू टू नेचुरल ऑफ वर्ड सच एज एवेपोरेशन, लॉस ऑफ वेट, ड्राइंग एंड एक्सेट्रा। इसका हो सकता है एक्सटर्नल रीजन लाइक लॉस बाय थीप, फायर, केयरलेस, यू नो इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से है, वो आप लोग देख लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिप्रेशिएशन एंड इज इट इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव यहाँ दिखा दिया मैंने। व्हाट इज क्या है ये, मतलब क्या है ये, इसका क्या मतलब है, क्या वर्ड स्प्रिट है, ठीक है। तो वो मैंने करा है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, डिप्रेटम से, तो ठीक है, डी और प्रियटम से लिया गया है इसका वर्ड। तो डन ये बना है डिप्रेशन, तो ठीक है। इसका मीनिंग होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन असेट, ठीक है। एंड द ट्रू प्रॉफिट टू कैन बी कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग डिस्प्रेशन ऑन असेट, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव है इसका, ये भी रख लो, मैं इसको टेलीग्राम पर भी सेंड कर देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। मेरे हैंड नोट्स में वहाँ सेंड करती हूँ। इसमें तो कुछ मैंने काटा छाटा भी नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरा जो हैंड जो नोट्स है इको 02 यानी अकाउंटेंसी का, तो वहाँ पे मैंने हैंड रिटन बनाया है, तो जहाँ मुझे सुविधा बुझाता है या मतलब समझ आता है, मैंने वहाँ पे चेंज करा है, कुछ ऐड करे हैं, कुछ मिस करे हैं, ठीक है। यहाँ देख लो आप, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाना ताकि आप लोग को आसानी ना हो, आई एम सॉरी, मतलब प्रॉब्लम ना हो। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोविजन एंड इफ बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। ओके, मैंने ये क्वेश्चन वहाँ करा रखा है क्वेश्चन पेपर में, फिर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग देख लो इसका डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। बेसिक कंपैरिजन, मतलब थोड़े जो भी हमारा जो बेसिक कंपैरिजन है, जैसे कि डिफिनेशन, ठीक है, रिजर्व और प्रोविजन का डिफिनेशन है, ये देख लो, मैटर ऑफ क्रिएशन, पर्पस, एलोकेट, पेमेंट ऑफ डिवाइडेड डिपेंडेंट, इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट, अफेयरेंस एंड यूटिलाइजेशन। संडे के ब्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हो कि मेरा कैसा होता है, मैंने अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करा है, मैं यूट्यूब में कैसे वीडियोस डाल पाती हूँ, मैं अपने टाइम टेबल को कैसे मेंटेन करती हूँ, अपने स्टडी को कैसे मेंटेन करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना कि यस आई वॉन्ट टू नो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।